कहानी लेकर आई हूँ। एक बार एक मूर्तिकार था, वो जंगलों में मूर्ति बनाने के लिए पत्थर ढूंढ रहा था। अचानक उसको एक बहुत सुंदर सा पत्थर दिखा, थोड़ा बेडौल सा था, तो उसने सोचा क्या इसको मैं इसको आकार देता हूँ। उसने अपनी छेनी हथौड़ी उठाई और उसमें चोट पहुँचाने लगा मूर्ति बनाने के लिए। तो वो पत्थर चिल्लाने लगा, मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। उसने एक बार रख दी हथौड़ी, उसके बाद दोबारा उठाई, उसने फिर से कोशिश करी, तो फिर पत्थर चिल्लाया, नहीं मुझे मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। अब की बार उसने फिर से कोशिश करी, इस बार फिर पत्थर चिल्लाया। तो मूर्तिकार ने सोचा इसको बहुत दर्द हो रहा होगा, उसने हथौड़ी छेनी वहीं पर रख दी और वहाँ से चला गया आगे। आगे जाकर उसको एक और पत्थर दिखाई दिया, वो भी थोड़ा अनगढ़ सा था, तो उसने सोचा चलो इसको बनाते हैं। तो उसने उसके ऊपर अपनी हथौड़ी और छेनी लगानी शुरू करी। उस पत्थर को भी दर्द हुआ, लेकिन वो बोला कुछ नहीं, वो सहता रहा। और धीरे धीरे मूर्तिकार ने उस पर चोट पहुँचाते 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 हुए उसको एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति का रूप दे दिया। अब वो मूर्ति बन करके तैयार हो गई और वो बहुत अच्छी लगी। वो मूर्तिकार उस मूर्ति को वहीं पर बना करके छोड़ कर चला गया गाँव में। गाँव में एक मंदिर बन रहा था। मंदिर जब बन के तैयार हो गया तो लोगों ने कहा अब इसमें भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। तो अब मूर्ति कहाँ से लाएं? तो मूर्तिकार मिला, उसने कहा मैंने एक मूर्ति बनाई है, जंगल में है, तुम वो ले आओ। तो वो जंगल से मूर्ति लाए और वहाँ पर मंदिर में स्थापित कर दी गई। और अब उस मूर्ति की रोज पूजा होती, उस पर प्रसाद चढ़ता, लोग उसके आगे मत्था टेकते थे। एक दिन लोगों ने कहा कि एक और पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम नारियल फोड़ते हैं तो एक पत्थर चाहिए, तो एक पत्थर और लेकर आओ। तो मूर्तिकार ने कहा एक और पत्थर, जहाँ मूर्ति थी वहीं पर एक और पत्थर है, तो उसको ले आओ, वो इस काम में आएगा। वो लोग गए और उस वाले पत्थर को लेकर आ गए। अब वो पत्थर नीचे रख दिया गया और उसके ऊपर लोग अपना नारियल फोड़ते थे। जितनी बार नारियल फोड़ते थे उतनी बार उस पत्थर को दर्द होता था। तो एक बार रात में दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे थे। जो भगवान बना था पत्थर, उसने कहा तुम क्यों इतना चिल्लाते हो? तो उसने कहा देखो कैसी किस्मत है, तुम्हारी तो आराम से पूजा होती है, तुम्हें तो लोग भोग चढ़ाते हैं और मेरे ऊपर नारियल फोड़ते हैं, मुझे दर्द होता है। तो उस पत्थर ने कहा, जो मूर्ति बना था उसने कहा, अगर उस दिन जिस दिन तुम्हें तराशा जा रहा था तुम चुप रहते और सह लेते थोड़ा दर्द, तो आज मेरी जगह तुम होते और शायद तुम्हारी जगह मैं होता। तब उसको एहसास हुआ, हाँ बात तो सच है। तो जिस समय आपको तराशा जा रहा है, चाहे आपके गुरु आपको तराश रहे हैं या आपके अभिभावक, आपके माता पिता आपको तराश रहे हैं, तराशना मतलब आपको आकार दे रहे हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं, हो सकता है दर्द होगा, थोड़ा दर्द सह लो, क्योंकि संघर्ष के बिना कभी कुछ नहीं मिला। बिना दर्द के, बिना चोट के कभी कुछ हासिल नहीं होता। और जब चोट लगती है तो पत्थर भी कट करके, तराश करके हीरा बन जाता है। तो बच्चों, आपको अच्छी लगी होगी कहानी और आपको इसका अर्थ भी समझ में आ गया होगा कि थोड़ी बहुत डांट वांट जो है ना वो सह लेनी चाहिए, वही हमको आगे जीवन में काम आती है।